जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप झूठे हो। आपने झूठ कहा कि यशोदा मैडम यहाँ आई ही नहीं। हाँ नहीं आई थी वो, तो फिर उनके दिए हुए गिफ्ट सपना पा गए। वो तो तेरा मन ना दुखे इसलिए बबलू भैया ने खुद उनका नाम लिख दिया था। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि वो खुद लाए हैं? देखो हर जगह पे यशोदा मैडम का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। देखो देखो कृष्णमाला, तुमसे कोई मिलने आया है? यशोदा मैडम। मैडम अब आ गई, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। आपको पता है जो पटाखे आपने दिए थे ना, वो हम सबने मिलकर जलाए और हमें बहुत मजा आया। आपको पता है ये लोग कह रहे थे कि आपने नहीं उन्होंने पटाखे लाए, पर मुझे पता था कि आपने ही लाए होंगे। बाप रे, तुम इतनी सारी बात करते हो, मुझे पता ही नहीं था। मैडम आपने अच्छा किया कि आप आ गए, अब सबको पता चल जाएगा कि आप हाथी नहीं हो। हाथी? हाँ, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं ना, पर आप तो जैसी हो बस वैसी ही हो। अब सबसे अच्छी हो। रो नहीं रही हूँ, खुशी में ना आंखों से ऐसे ही आंसू बाहर निकलते हैं। माँ भी ऐसे ही खुशी में रोने लगती थी, पागल थी। मैं भी पागल हूँ। आपके आने से मैं भी बहुत खुश हूँ, पर देखो मैं रो रहा हूँ नहीं ना। मुस्कुराती हुई कितनी सुंदर लगती हो, बिल्कुल छोटू की जैसी। छोटू भी जब मुस्कुराता है तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम आपके जैसे। वो कैसा है? उसने जज अंकल को बोला कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, बताइए। हाँ वो छोटू बहुत मुश्किल से होश में आया है ना, तो डॉक्टर ने कहा है उसके दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, क्योंकि अगर वैसे किया तो शायद उसकी तबीयत फिर से बहुत खराब हो सकती है ना। नहीं नहीं आप उसे कुछ मत पूछिएगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो ठीक तो हो जाएगा ना मैडम? तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन तो कहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर से भागेगा, फिर से हंसेगा और मेरे साथ खेलेगा भी। तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा छोटू जल्दी ठीक हो जाए। भगवान को तो कभी मैंने देखा भी नहीं है, क्या बताओ वो मुझे जानते भी हो या नहीं। पर आप अपने भगवान से जरूर कहना कि छोटू जल्दी से ठीक हो जाए। तुम्हें लगता है मैं भगवान से बात करूंगी? हाँ मुझे आप पे पूरा विश्वास है। क्यों क्यों करते हो मुझ पे इतना विश्वास?
और किस पे गए? गहरा रिश्ता लगता है। हाँ भैया वो तो है, मैंने काफी कोशिश करी कि मैं इस कृष्णा का ब्रेन वॉश कर सकूं, पर यह है कि इन्हीं के नाम की रट लगाता रहता है, सुनता ही नहीं है। सुनेगा, सब सुनेगा। बबलू का जब दिमाग चलता है ना तो अच्छे अच्छे सुनने लगते हैं। मैडम के सामने ऐसी भद उड़ेगी इसकी कि मैडम ऐसे भागेगी कि तुम ढूंढते रह जाओगे, नजर भी नहीं आएगी कहीं। दादा है, दादी है, चाचा है, चाची भी है। हाँ कामिनी जी जी है ना हमारी, सोनू, जीजा जी, अशोक अंकल को तो जानते हो ना तुम, और मेरी दो प्यारी प्यारी बच्चिया नूपुर और आस्था। बाप रे इतने सारे लोग हैं आपके घर में, बहुत मजा आता होगा ना। मेरे घर में तो बस दो ही लोग थे, मैं और माँ, लेकिन हम दोनों भी बहुत मस्ती करते थे। हाँ एक मामा भी थे, हमेशा माँ के साथ झगड़ते ही रहते थे, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। इतने सारे लोगों वाले घर में कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत चहल पहल होती है और सुख दुख बांटने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन कृष्णा एक तरह से देखा जाए तो सारी दुनिया ही हमारा घर है ना, सब लोग अपने हैं, बस मन खुला होना चाहिए। जो कि तुम्हारा है। नहीं मैडम, सब लोग अपने नहीं होते, कोई भी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कृष्णा ये क्या है जेब में, दिखाओ। बीड़ी है ये किसका है? ये मेरी नहीं, पता नहीं किसने मेरी जेब में डाल दिया। मेरी नहीं है ये मेरी नहीं है। यहाँ मेरे पास आओ, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हें याद रखना चाहिए कि यहाँ बदमाशों की कमी नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है, मैं हूं ना, डरो मत। बहुत ही भोले हो तुम कृष्णा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।